खिलाओ, फिर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो, उनको खिलाओ, उसके बाद विचार करो कि मैं खाऊं। खुद खा लेगा, बाप को नहीं पीछे। अरे जिस बाप ने तेरे को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने तक जिस माँ ने तेरे को गर्भ में रखा, तेरा मल मूत्र विस्था का कभी तेरे अंग पे छूने नहीं दिया, सफाई तुरंत करी, उस माँ बाप को कैसे भूल। इसलिए तो किसी कवि ने जो काम मुझे अच्छा लगता है और कथा ये जीना ही सिखाती है, सुन करके निहाल नहीं हो जाएंगे, सुन करके अपने को करना क्या है, अपने जीवन मैया को मोड़ना है। इसलिए किसी कवि ने कहा, जिस भजन में हरि का नाम न हो उसी भजन को गाना ना। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो से